कमल के फूल। और ये कंस के ध्वंस तू हमें क्या दे रहा है? देखना तेरी आंखों के सामने मैंने कंस को जमीन में न मिला दिया तो मेरा नाम भी श्याम नहीं। और ये रही बात कमल के फूलों की, तो तू थोड़ी देर रुक, अब अभी जा रहे अभी आ रहे। भाग श्याम एक वट वृक्ष पे चले और काली देह में छलांग लगा गए। ऐसा ही नहीं कि कूदो जमुना में, अरे कूदो जमुना में कन्हैया रे भैया लेके मोहन। काली देह में कूद गए, और जो कन्हैया काली देह में कूदे ग्वाल बाल दामा को गालियां बकने लगे। दामा अरे ये तूने क्या किया, एक तुच्छ सी गेंद के पीछे कपड़ा के पीछे कन्हैया को मार दिया। ओए अब क्या करेगा ये सौदा ने ये सुन लिया तो वो हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी, जान से मार देगी। दामा अब क्या करेगा? दामा रोने लगा, मन से भैया मुझे ये नहीं मालूम था कि कन्हैया ही कर देगा, मैं क्या करूं। ये सौदा को ग्वाल बाल भाग करके बताने को पहुंचे। ये सौदा ने जब ये सुना कन्हैया गह में गिरेगा, पहले कंस के दुख से दुखी और ऊपर से ये और सुन लिया कन्हैया काली देह में गिर गई। हाल बेहाल हुआ नंद बाबा मां यशोदा का, सब लोग भागे काली देह की तरफ वृंदावन से। तरफ भागे यशोदा काली देह की तरफ जब पहुंची है उसमें कूदना चाहिए तो बलराम ने हाथ पकड़ लिया। भैया तसल्ली देखो, धैर्य धारण कर, जिन्हें हम लोग साधारण बालक समझते रहे मां वो कोई इंसान नहीं है, भगवान है, अवतारी है। जिन्होंने 5 दिन की उम्र में पूतना जैसी वैहनक राक्षस का वध किया हो, 27 दिन की उम्र में सत्ता 17 व्रत को मारा हो, इंसान नहीं भगवान है। इधर बलराम सबको समझा रहे हैं और उधर श्याम पहुंच गए। बाहर कहा बोले जहां वो कालिया नाग गहरी नींद में सो रहा है और वो नागिनियां जग रही है। बाहर एक नागिनियां भागी और कन्हैया की रास्ता घेर के खड़ी हो गई। कौन है? डर नहीं लगता? किस्मत के बढ़िया जो हम जग रहे, मेरे पति सो रहा है। धोखा से जग गए, फुसफाट मार दी, तुम्हारे जीवन की कहानी खत्म हो जाएगी। धीरे से निकल लो, सुन नहीं करना। भगवान बोले नागनिया अरे तू जिसकी हमें कहानियां सुना रही है, मैं तो उसी से मिलने आया। जगा बोले श्याम देख क्या रही है।
Thank you.